एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उन लोगों से जो भी मेरे ब्लॉग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। सो आज मैं आई हूँ मेरी मम्मा के घर पर मॉर्निंग में। एक्चुअली मम्मा की तबीयत जो है वो थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मॉर्निंग में मैं उनसे मिलने आई थी। और जानू जो है अभी घर पर ही अपने दादा के साथ है, तो अभी थोड़ी देर में हम लोग वहाँ पर जाएंगे। और आज मेरी फ्रेंड की शादी है तो नाइट में वहाँ पे। सो मम्मी के घर से हम लोग निकल चुके हैं और अभी हम लोग रास्ते में हैं, घर पहुँचने वाले हैं। और आज है 26 एंड वीडियो आपके पास शायद लेट से जाएगा। आज मेरा बर्थडे है तो देखते हैं घर क्या हो रहा है। मैंने सुना कि घर की बर्थडे की तैयारी हो गई है, तो मैं सब लोग बर्थडे करते हैं तो देखते हैं क्या हो रहा है। सो घर पे जाके मैं तुरंत सो गई थी, रात दोपहर के बज गए थे 1 बजे। उसके बाद मैं उठी तो शाम को जो है केक कटिंग हो रही थी। तो आज जैनू का मेरा दोनों का बर्थडे था। जैनू पैदा जो हुई थी वो वसंत पंचमी के दिन पैदा हुई थी, तो इस बार 26 को ही वसंत पंचमी पड़ी थी। पर वैसे तो उसकी जन्म तारीख 5 तारीख है, तो 5/5 है, तो उस दिन मनाएंगे, तो मैं आप सभी के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, आज दोनों माँ बेटी का बर्थडे है तो साथ में ही मना लेते। तो हम लोग वही केक कटिंग कर रहे थे दोनों साथ में। तो जैन की भी वही मस्ती चल रही थी। और जो है ये बैठी हुई है हमारी प्यारी गुड़िया रानी। और अभी अभी मैं ऐसे रेडी हुई थी तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी ज़्यादा चेंज भी नहीं करना क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। मुझे भी फ्रेंड की शादी में भी जाना है और ऑलरेडी 8:30 हो चुके हैं, तो देखते हैं 7 बजे का टाइमिंग था कि मैं ऐसे जाती हूँ चेंज करती हूँ। सो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मेरी फ्रेंड को कॉल आ रहा है और यहाँ जाने की मैसेज चल रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जैसे तैयार हूँ मैं वैसे की वैसे शादी में निकल जाऊँ, तो बहुत लेट हो जाएगा, सबका फ़ोन आ रहा है घर से। और जाने को थोड़ा तैयार कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए निकलती हूँ मैं फ्रेंड की शादी के लिए। बेचारे तो जैसे मैं पहुंची तुरंत देखा कि बारात आ चुकी थी, मैं बहुत लेट हो चुकी थी। तो चलिए फटाफट चलते हैं मंडप की ओर। मैंने कहा चलो एंट्रेंस का भी थोड़ा फूल ले लेते हैं ब्लॉग, आप सभी खेलिए। और ये मेरी फ्रेंड की फैमिली है, तो मैंने कहा चलो अपना फटाफट मैंने सब कुछ ब्लॉग बना लूँ। और पता चला कि जो है प्रियंका आ भी गई थी पार्लर से, उससे मिलते हैं उसके बाद चलेंगे अंदर। चलिए हम जा रहे हैं प्रियंका से मिलने। तो ये रही मेरी फ्रेंड ब्राइड हमारी। और मैंने कहा चलो थोड़ी फ़ोटो वोटो खींच लेते हैं, जो है मैंने थोड़ी वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली थी और हम लोग यहाँ पे फोटो शूट ही कर रहे थे सबसे। और ये हमारी फ्रेंड बड़ी सीधी दिख रही है, जो आपको सच बताऊँ मैं और प्रियंका जो हैं वो केजी से साथ में थे और आज 26 ईयर्स हो गए हमारी फ्रेंडशिप के। बट इतना शांत मैंने आज तक इसको कभी देखा ही नहीं था, मैंने फर्स्ट टाइम इसको प्रियंका से मिलके निकली तो मैंने देखा कि दूल्हे राजा जो हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं, सब कुछ स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा चलो देखते हैं फ्रेंड्स का। अरे भैया तो इन्हें देखिए, ये लोग लगे हुए हैं फोटो शूट करने में और इनका कोई सब नहीं सेल्फी की कौन क्या कर रही है, लगे हुए हैं आपस में सारे फ्रेंड्स मेरे। तो लोग फोटो खिंचा रहे थे, मैं अंदर आई तो मैंने कहा चलो अभी जो है डेकोरेशन का थोड़ा मैं ब्लॉग शूट कर लूँ आप सभी के लिए। और पानी पूरी देखिए मुँह में पानी आ गया ना, तो यहाँ पर मस्ती ही कर रहे थे। अभी टाइम था 10:30 बज चुके हैं, अभी जयमाल होने में भी टाइम है, देखते कब होगा। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और मैं वेट कर रही थी प्रियंका कब आएगी स्टेज पे, कब जयमाल होगा, देखते हैं कब आते हैं। तो काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली जो है प्रियंका आ गई थी। और जयमाल की रस्म अभी भी सब बोल रहे हैं थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी सब खाना वाना खा लें उसके बाद। और जैनू जो है अभी उसे भी भूख लग गई है, तो यहाँ पे दूध तो मिलना पॉसिबल नहीं है, तो हम जा रहे हैं फ्रेंड के घर पे। तब तक जाते हैं फटाफट से भी दूध मिला के उसके बाद रिटर्न आते हैं, तो हम सब यहाँ पर स्टार्ट हो जाए। और ये रही हमारी गाय, देख तेरी मौसी आज कितनी शांत लग रही है, कभी भी शांत कभी इतनी शांत देखा तेरी मौसी को, लगता है मुझे वैसी फीलिंग आ रही थी फ्रेंड को देखकर। चलिए चलते हैं फ्रेंड के घर। जैनू को दूध पिला के जब मैं आई फ्रेंड के घर से, तो मैंने देखा कि जयमाल ऑलरेडी डन हो गया था और स्टेज पे दोनों बैठे हुए थे। मैंने कहा चलो फटाफट आशीर्वाद दे देते हैं यार, जयमाल तो मैं देख नहीं पाई
हम लोग मिल लिए, उसके बाद फिर हमने कहा चलो घर निकलते, क्योंकि जैनू की तबीयत भी उस दिन ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, और 12:30 बज गए थे रात के, और जैनू भी बहुत रो रही थी, तो इसलिए मैंने फिर निकल लिया यहाँ से। तो चलिए, तो ये ब्लॉग मैं यहाँ पे अभी ख़त्म करती हूँ, सॉरी ब्लॉग बहुत देर से आया उसके लिए।